सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं डेल के G15 गेमिंग लैपटॉप की। ये आप देख सकते हैं ये बॉक्स है, ये पूरा लैपटॉप है, इसके अंदर लैपटॉप भी है, ये पूरा भी बंद है, पूरा देख सकते हैं आप। यहाँ पे लिखा है G15 गेमिंग लैपटॉप है, जो कि एक i5 प्रोसेसर के साथ आने वाला लैपटॉप है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करने जाते हैं और देखते हैं कि ये हमें कैसा गेमिंग पैकेज देता है। आइए फ्रेंड्स, तो आज अब हम इसे ओपन करते हैं और हमारे लैपटॉप को देखते हैं। मैंने निकाला और यहाँ पे इसका पावर केबल है जो कि चार्जर के साथ लगती है। ये देख सकते हैं, अभी हम इसे लगा के भी दिखाएंगे आपको। ये इसका अडैप्टर है, पावर अडैप्टर। बहुत हैवी अडैप्टर है, ये 180 वोल्ट का है। अब हम लैपटॉप निकालते हैं अपना। ये हमारा गेमिंग लैपटॉप डेल G15। बिल्ड क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत सॉलिड दिखता है और एच टाइप का है कुछ। आप देखिए, ये बैक से भी देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन है जो कि एक गेमिंग लैपटॉप में होना ही चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स, आइए हम इसे अब ओपन करते हैं अपने लैपटॉप को और देखते हैं इसे। हमने इसे ऑन खोल लिया है, ये पहले से हमारा लैपटॉप ऑन था, एक्चुअली स्लीप में था ये। हाँ तो फ्रेंड्स, आप इसे देख सकते हैं, ये हमारा विंडोज़ ऑन हो चुका है, ये विंडोज़ 11 के साथ आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका वेंटिलेशन है जो कि यहाँ पे है और एक पीछे है। यहाँ पे इसमें थर्मल बहुत अच्छे हैं, इसके दो बड़े बड़े फैन लगे हुए हैं नीचे, देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसके स्पीकर्स हैं, ये देख रहे हैं, ये इसके स्पीकर जो दोनों साइड पे हैं। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये जो हमारा लैपटॉप है एनवीडिया RTX 350 के साथ आता है, जो कि एक DDR ग्राफिक कार्ड है, DDR6 ग्राफिक कार्ड है। इसमें जो प्रोसेसर आता है ये है अपना i5 का 12th जनरेशन 12500H। ये देख लीजिए प्रॉपर्टीज में अपन देखते हैं। ये हमारे पास जो हमारा लैपटॉप है ये 8GB वेरिएंट वाला है, आप चाहें तो इसमें 16GB वेरिएंट भी परचेज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये i5 प्रोसेसर है 12500H, जो H का मतलब है, H का मतलब जिनको भी नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, H का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस। ये हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर है, 2.5 GHz का ये प्रोसेसर है जो कि इसकी बेस स्पीड है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज है, 22H2 इसका वर्जन है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी बैक लाइट में कितने क्या फीचर्स हैं। बैक लाइट ऑन करने के लिए आपको ये F5 बटन को एक बार प्रेस करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, इसकी जो बैक लाइट है वो ऑन हो चुकी है। मैं इसे एक बार और क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा ब्राइट हो गई है और ये ऑफ हो गई है। इसमें एक्चुअली टू मोड्स हैं ब्राइटनेस के, एक अभी ऑफ है, फिर मैं एक बार क्लिक करा ये ऑन हो गया, अब मैं एक बार और क्लिक करूँगा तो ये और ब्राइटर हो गया है, ये ऑफ हो गया है, जो कि नाइट में बहुत ही अच्छा लगता है यूज़ करने पे जब हम लैपटॉप यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ ये एक गेमिंग सॉफ्टवेयर के साथ भी आता है जो कि डेल वालों का खुद का है, गेमिंग सीरीज़ के साथ ही आता है ये, एलियन वेयर कमांड सेंटर है। मैं आपको इसे ऑन करके दिखाता हूँ, ये है इनका गेमिंग सेंटर सॉफ्टवेयर। इसमें हम फ्यूजन ऑप्शन में आते हैं इसके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये CPU की स्पीड दिखा रहा है,
यहाँ पे टेम्परेचर वोल्टेज वगैरह दिखा रहा है क्लॉक मेमोरी क्लॉक स्पीड है। हाँ मैं फ्रेंड्स आपको ये भी एक बताना चाहता हूँ, ये जो ये DDR5 रैम के साथ आता है जो कि 4800 MHz में चलती है, जो कि बहुत ही लेटेस्ट है और बहुत हाई स्पीड फ्रिक्वेंसी में वर्क करती है। ये देखिए इसका GPU भी यहाँ पे दिखा रहा है, एनवीडिया जी फोर्स RTX 3050 लैपटॉप GPU। एक्चुअली अभी ये इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसका कुछ यूज़ हो नहीं रहा है, जब हम गेमिंग करेंगे तब ये ऑन होएगा, इनेबल हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स हम आपको अब गेमिंग टेस्ट दिखाने जा रहे हैं इस लैपटॉप का, डेल G15 का। हम इसे अब प्ले करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ इसमें और कौन कौन से पोर्ट्स आते हैं, पोर्ट्स कौन कौन से आते हैं बेसिकली इसमें कनेक्टिविटी के लिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर लाइट दिख रही होगी, यहाँ पे ये बैटरी वगैरह को शो करता है, ठीक है। और इसके बाजू में हम आते हैं तो यहाँ पे हेडफोन जैक है, ये हेडफोन जैक सब कोई भी कुछ भी हेडफोन वगैरह हेडफोन कनेक्ट कर सकते हैं वायर्ड वाले। ये है हमारा ईथरनेट पोर्ट, यहाँ पे आप कोई ईथरनेट पोर्ट से ईथरनेट केबल लाके से इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं इस लैपटॉप में। तो अब हम इसमें पीछे आते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लैपटॉप है, देख सकते हैं ये पीछे इसमें दिया है। तो यहाँ पे वेंटिलेशन का इसका दिया है और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं USB, एक USB पोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पे इस लैपटॉप में जितने भी USB पोर्ट दिए गए हैं वो सारे पोर्ट 3.2 Gen 1 USB पोर्ट हैं, जो कि बहुत हाई स्पीड के पोर्ट हैं। और ये है डिस्प्ले के लिए आपके HDMI का दिया गया है, HDMI पोर्ट, आप इससे कोई भी डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं। ये है इसका पावर पोर्ट, आप यहाँ पे पावर सप्लाई दे सकते हो। और ये है इसका Type-C Thunderbolt पोर्ट, इसे भी आप पावर के लिए एडिशनल पावर के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम अब इस साइड आते हैं और अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका गेमिंग की बैजिंग दी गई है इसमें जी से गेमिंग। और यहाँ पे इसके जो दोनों USB हैं ये दोनों ही 3.2 USB 3.2 Gen 1 पोर्ट हैं, जो कि बहुत हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र को सपोर्ट करते हैं। और जो इसका लुक है, लुक वाइज भी ये लैपटॉप मेरे को बहुत ही पसंद आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका एक कैमरा दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ इसका माइक है और इसकी लाइट है LED इंडिकेटर। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मेरे को ये लैपटॉप बहुत अच्छा लगा, बस मेरे को इस लैपटॉप में सिर्फ एक ही कमी लगी, वो थोड़ा इसका बैटरी में इशू है। मतलब बैटरी है अच्छी, एक्चुअली ये एक गेमिंग लैपटॉप है जो कि एक हैवी ग्राफिक कार्ड के साथ आता है, तो इसलिए इसका पावर कंजप्शन ज़्यादा है जिसके कारण इसकी बैटरी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती है। वैसे मैं गेमिंग करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा चल जाती है फुल चार्ज में, गेमिंग जब करता हूँ मेरे को इसमें पावर लगा के ही पावर केबल को लगा के ही खेलना पड़ता है, तो फिर ये बहुत ही अच्छा चलता है, कोई इशू नहीं रहता वैसे। और वैसे भी गेमिंग लैपटॉप में आपको बैकअप कम ही देखने मिलता है। तो मेरी तरफ से इस लैपटॉप को मिलेंगे 5 में से 4.2 स्टार्स। तो एक आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और ये लैपटॉप मैंने परचेज़ किया है 80,000 रुपीज़ में, जो कि मैंने अपने लोकल ऑफलाइन स्टोर में जाके परचेज़ किया है। आप भी अपने नियरेस्ट स्टोर में जाके इसे पता कर सकते हैं और नहीं तो आप ऑनलाइन भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। मैं अपने अमेज़ोन की लिंक
अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।